ग्वालियर शहर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के शब्द प्रताप आश्रम भूतेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले चार परिवारों ने एक दबंग व्यक्ति पर सांठगांठ कर जमीन हत्याने का आरोप लगाया है। यहां रहने वाले परिवारों का कहना है कि सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट से यह भूमि क्रय की गई थी। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि रामनिवास न्यायालयीन प्रक्रिया में उनसे जीत नहीं सका तो उसने पुलिस थाना बहुड़ापुर के साथ मिलकर उनके खिलाफ लूट मारपीट और धमकाने का मामला दर्ज करा दिया। अब परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। फिर वो काफी दिन से पड़ा है, हारता जा रहा है, तो हम पे प्रेशर डालने के लिए कहीं पुलिस प्रशासन से, कहीं नगर निगम से, कहीं किसी से, कहीं गुंडा तत्व लोग बुलाता है, घर पर पहुंचाता है, धमकी दिलवाता है। जिन जे रामनाथ शर्मा ने जिससे रजिस्ट्री कराई थी, धर्मेंद्र, तरुण, सुरेश, भार्गव, इन लोगों से कराई, वो लोग हमसे 2006 में निरस्त हो गए थे। फिर वो पहुंचे, फिर वो 2012 में निरस्त हो गए थे। फिर 2012 में रामनाथ शर्मा ने रजिस्ट्री करा ली इन लोगों से, जो हारने के बाद हमारे संग बुरा हादसा हुआ। हम सवेरे से भूखे प्यासे फिरे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी, ना टीआई साहब ने सुनवाई करी। हम रात के 9 बज गए और हमको धमकी दे रहे थे, तुम्हारे भैया को तो हम कहीं से भी उठा लाएंगे। टीआई साहब दे रहे थे। टीआई नाम जानते हो? हाँ, उनका नाम है वो क्या बोलते करवा। लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बरसों से, 50 वर्षों से इनका परिवार यहाँ निवास कर रहा है। ये दादा शंकर दादा से भी परिचित थे, अच्छे लोग थे। इतने समय से रहने के बावजूद भी इनका आशियाना उजाड़ने के लिए हमेशा तत्पर ये घुमा पिया रामनिवास शर्मा झूठे केस लगाए। एक मुरारी गुड़िया था, उन पर झूठा लगवा के उन्हें जेल भेजा। उस जेल भेजने के कारण इनको दवा बना के फिर इनने उस पर राजीनामा किया।